नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो नई संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा है, तो पहले सत्र में नई संसद के शुरुआत में ही मोदी जी को क्या करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को शपथ ग्रहण ना खुद करनी चाहिए ना सांसदों की शपथ ग्रहण करवानी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना स्पीकर बनाने की जिद पर वो अड़े हुए हैं, अपना स्पीकर बना देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने को राष्ट्रपति ने बहुमत साबित करने के लिए कहा ही नहीं है, तो उनको बहुमत साबित करने की क्या ज़रूरत है। कुछ ने कहा कि कुछ लोग मोदी जी को चाहिए कि खुद से बहुमत साबित कर दे, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम मोदी जी को करना चाहिए कि जो नीट और नेट की परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जो जनता में, छात्रों में, युवा वर्ग में अविश्वास की भावना मोदी जी को लेकर पैदा हो गई है, उस अविश्वास को दूर करने के लिए एक विश्वास मत अपनी तरफ से रखना चाहिए। 18-19 से लेकर 35 साल तक का युवा इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज्यादा झुका 2024 के लोकसभा चुनाव में, CSDS के आंकड़े कहते हैं। 50% इस समय देश की आबादी 35 साल से कम उम्र की है, करीब करीब 65% आबादी इस तरह की है। 25 साल से कम उम्र के करीब 50% युवा इस देश में है, तो ऐसे में इनका धर्म संकट दूर करने के लिए, इनका विश्वास हासिल करने के लिए, इनके अविश्वास को दूर करने के लिए मोदी जी को अपनी तरफ से एक विश्वास मत रख देना चाहिए। और वो विश्वास मत क्या होना चाहिए? वो विश्वास मत होना चाहिए कि नीट और नेट की और दूसरी परीक्षाओं को लेकर जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विपक्ष JPC की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट की गठन की मांग कर रहा है, JPC की मांग को तत्काल अपनी तरफ से स्वीकार कर लेना चाहिए। मांग रखी गई है, खुद घोषणा कर देनी चाहिए और उसमें कह देना चाहिए कि विपक्ष ने भी ये मांग की है, हम युवाओं के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, हम युवाओं का दिल जीतना चाहते हैं, परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से क्लीन कर देना चाहते हैं, उसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं, हम दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं, इसीलिए हम JPC का गठन कर रहे हैं और विपक्ष की मांग का भी हम समर्थन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दाव चल सकते हैं प्रधानमंत्री, एक साथ विपक्ष की नीति रणनीति, मोदी सरकार को घेरने की, कटघरे में खड़ा करने की सोच को वो नकार सकते हैं और युवा वर्ग का दिल जीत सकते हैं। क्या मोदी जी ऐसा करेंगे? अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर तो लगता नहीं है, क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ, धांधलेबाजी की शिकायतें आई, पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, फिर कहा 4-5 केंद्रों में कुछ जगह गड़बड़ी हुई, फिर स्वीकारा की गड़बड़ी हुई, फिर DG को बदल दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी तो यानी बलि का बकरा किसी और को बना दिया गया, इस बीच नेट परीक्षा डार्क नेट पर आ गया, उसका पेपर आ गया, टेलीग्राम पर पेपर आ गया तो नेट परीक्षा रद्द कर दी गई। कुल मिलाकर नीट और नेट 50 लाख से ज़्यादा छात्र इससे प्रभावित होते हैं, एक परिवार में 5 वोटर भी प्रभावित हुआ तो करीब करीब 2.5 करोड़ वोटर प्रभावित होता है, और उससे बड़ी बात है कि पूरा माहौल बिगड़ता है, पूरा माहौल विषाक्त होता है। अब आपसे नौकरी दी नहीं जाती, नौकरियां निकालने में कंजूसी बरती जाती है, लाखों की संख्या में पद सरकारी दफ्तरों में, केंद्र सरकार के दफ्तरों में खाली पड़े हैं और राज्य सरकार में भी खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर देश भर में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास सरकारी पद खाली पड़े हैं, वहां तो नियुक्तियां की नहीं जा रही। और जब आप भर्ती की बात करते हैं तो आपसे एक परीक्षा ढंग से संचालित नहीं की जाती, फिर आप नालंदा में जाके कहते हो कि दुनिया का बड़ा एजुकेशनल हब इंडिया को दोबारा से बनाना है, और फिर सबसे बड़ी बात है मोदी जी क्या JPC की मांग का समर्थन करेंगे? क्या JPC की मांग अपनी तरफ से जो रखी जा रही है उसका गठन कर देंगे JPC का? अभी तक तो लगता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो एक बयान तो दे देते। नीट की परीक्षा को लेकर, नेट की परीक्षा को लेकर नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 1500 जो ग्रेस मार्क वालों की दोबारा एग्जाम देना होना था वो भी रद्द कर दिया गया है,
डीजी को भी हटा दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को लेकर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। ये क्या सिर्फ आई वॉश है? क्या सड़क पर उतरे युवाओं को एक तरह से बरगलाने की कोशिश है, भ्रम में रखने की कोशिश है, या इससे वाकई में परीक्षा का में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा परीक्षा लेने के तरीकों में? तो मोदी जी मुझे नहीं लगता कि जेपीसी का गठन करेंगे, क्योंकि जेपीसी का गठन करना होता तो कोई इशारे कर चुके होते, कोई बयान आ चुका होता, या कोई धर्मेंद्र प्रधान के थ्रू ही कोई बयान दिलवाया जा चुका होता। लेकिन वो तो अपने शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे हैं और दूसरों को बलि का बकरा बना रहे हैं। एक खास बात है कि संघ परिवार के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तो अपना मुंह खोला है, अपनी जबान खोली है, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है, सीबीआई जांच की बात भी कही है, और सबसे बड़ी बात कही है कि जो जनता अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो सरकार को जवाब देने ही होंगे, देने ही होंगे। लेकिन ये जवाब सरकार से मोहन भागवत नहीं मांग रहे हैं। नेट और नीट को लेकर इतना हंगामा हो रहा है, क्या ये अहंकार सत्ता पक्ष का नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही? क्या यह अहंकार सत्ता पक्ष का नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा? क्या यह अहंकार सत्ता प्रमुख का नहीं है कि उनका जो प्रधान सेवक है वो खामोश है, लबों पर ताला लगाए हुए है? कभी नागालैंड के दौरे हो रहे हैं, उससे पहले इटली का दौरा हो चुका, श्रीनगर में जाकर योग किया जा रहा है, लेकिन जो वंचित उपेक्षित युवा वर्ग है उसको वंचित ही रखा जा रहा है, उपेक्षित ही रखा जा रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं लगता मोदी जी को कि चूंकि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कह दी थी, चूंकि राहुल गांधी ने नीट और नेट को लेकर कह दिया था कि हम जेपीसी की मांग करेंगे और सदन चलने नहीं देंगे, इस बार हमारी ताकत हम सत्ता पक्ष को दिखाएंगे, तो क्या इससे राजनीतिक हेटी की भावना आ गई है, हट की भावना आ गई है कि अब अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, जेपीसी का गठन कर दिया, तो ये विपक्ष की जीत हो जाएगी? ये तो छात्रों की जीत होगी, ये तो अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत होगी, ये तो संघर्ष की जीत होगी, ये तो सत्य की जीत हो गई। और सत्यमेव जयते तो प्रधानमंत्री मोदी बोलते ही रहते हैं, तो ऐसे में किस बात की हिचक है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तो ज़रूर कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आए। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।